हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आज जो हम बात करने वाले हैं, हमने जो हमारे जिसके पहले जो वीडियो हमने जो अपलोड की है उसके अंदर में मैंने आपको बताया था, हमारे जो गौरानी के चिक्स है उनको जो है एक प्रॉब्लम आ गई थी, वो सुस्त हो गए थे, खाना पीना छोड़ दिए थे, ऐसे बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। आपने जो है उस वीडियो में लाइव देखा भी था, तो काफ़ी हद तक जो हमारे मुर्गी के बच्चे वो ठीक हो चुके हैं। तो हम आज उसी के बारे में बात करने, हमने ऐसे क्या ट्रीटमेंट दिया है जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे 3 दिन के अंदर में रिकवर हो गए। तो हमने सिंपली उनको लिक्जेन पाउडर दिया था, जैसा कि आपको मैं बता दूँ पूरा स्टार्टिंग से लेके तो आज तीसरे दिन तक का पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया था, उनको उस मेरे दो वीडियो में कुछ बातें समझ में नहीं आई थी, तो उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, ये हमारे पहले दिन के बच्चों का वीडियो है जो कि बीमार हो गए थे, सुस्त हो गए थे। तो इसके ऊपर में हमने ट्रीटमेंट किया था कि हमने जो इनको इंजेक्शन के ज़रिए जो है पानी दिया था, जैसा सबसे पहले हमने जो काम किया था, इनकी जगह को जो है अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया था, और फिर जो है इनको जो है लिक्जेन पाउडर का पानी दिया था इंजेक्शन के ज़रिए। जैसा कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, हमने इस तरीके से सारे चीज़ों को पकड़ कर पर्सनली जो इनको लिक्जेन पाउडर का पानी दिया था, 1 ml एक बच्चे को पानी दिया था हमने। तकरीबन हमारे जो ये पूरे 13 बच्चे थे और इनको हमने जो है 15 से 16 ml पानी के अंदर में 3 से 4 चुटकी जो हमारा लिक्जेन पाउडर मिलाकर दिया था। इस तरीके से हमने पहले दिन जो इनको लिक्जेन पाउडर का पानी दिया था इंजेक्शन के ज़रिए, और जो इनका पीने का ड्रिंकिंग का वाटर होता है उसके अंदर में भी हमने लिक्जेन पाउडर दिया था। तो ये पहले दिन हमने इनको ट्रीटमेंट दिया था, तो काफ़ी हद तक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो चुके थे। और दूसरे जो दिन हमने जो इनको ट्रीटमेंट दिया, फिर वो हमने फिर से वही लिक्जेन पाउडर इनको दिया था इंजेक्शन के ज़रिए पिलाया था, 1 ml एक बच्चे को इंजेक्शन के ज़रिए पिलाया था। और दोपहर के टाइम फिर हमने इनको गुड़ का पानी दिया था। जैसा कि आपको पता है, गुड़ के पानी से बहुत सारी बीमारियां जो हमारी ठीक हो जाती है, उनको इम्यूनिटी पावर जो इनकी बढ़ जाती है और बीमारी में लड़ने से इनको फ़ायदा मिलता है। तो हमने जो इनको दोपहर के टाइम गुड़ का पानी दिया था, फिर शाम के टाइम हमने इनको सीधा सादा पानी दिया था, उसमें कोई मेडिसिन नहीं, ना गुड़ का पानी दिया था ना मेडिसिन दी थी। और आज हमारा तीसरा दिन है, तो हमने सुबह में आज जो इनको फिर से लिक्जेन पाउडर का पानी दिया है, लिक्जेन पाउडर का, उसके साथ में विटामिन के लिए दिया हमने विमरल। तो ये हमारा तीसरे दिन का डोज है। तो आप समझ गए होंगे, हमने पहले दिन लिक्जेन पाउडर दिया है, दूसरे दिन लिक्जेन पाउडर प्लस दोपहर के टाइम गुड़ का पानी दिया है, और आज का तीसरा दिन है। तो हमने इनको सुबह में लिक्जेन पाउडर दिया है और साथ ही में इनको विटामिन के लिए जो है विमरल दिया। विमरल जो ये कैल्शियम की विटामिन की दवा है, तो उसके साथ में हमने फिर इनको अब हम शाम में जो इनको लिक्जेन पाउडर फिर से देंगे। तो इस तरीके से हमारे आज पूरे 3 दिन हो चुके हैं, और काफ़ी हद तक जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमारे ये बच्चे तीसरे दिन का वीडियो है आज, काफ़ी हद तक जो है ये पूरे अच्छी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप सिंपल लिक्जेन पाउडर के ज़रिए हमारे जो चूज़े मरते हैं उनको लिक्जेन पाउडर देकर आप बचा सकते हैं। इस वीडियो में हमने बताया है आपको, इस तरीके से आप देकर उनकी जान जो है बचा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें करना होता है, लिक्जेन पाउडर को देना होता है। लिक्जेन पाउडर देने के बाद हम कोई भी एंटीबायोटिक देते हैं, तो उसके बाद में हमें जो विमरल, जैसा कि आप फ़ोटो के स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हैं, विमरल जो हमें ये देना होता है। विमरल देने के बहुत सारे फ़ायदे, विटामिन जो उनके अंदर कमज़ोरी आ जाती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, उम्मीद है आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।